जमा दादी और मेरी हो गई है साफ सफाई। 6 बजे से लग रही हूँ तो नीचे की हो गई है, अभी ऊपर करनी है तो अब कर लेती हूँ। मैंने बॉयल पानी पी लिया है और गर्म करके पानी पी लिया है तो अब करूंगी मैं एक्सरसाइज, क्योंकि अभी टाइम है, मेरे हस्बैंड नहाने वाले हैं, नहा के तो इनको भी देना है, सबका ध्यान रखना है, तो अपनी फिटनेस का भी कर लेते हैं। आधे घंटे कर लेते, 15 मिनट करती हूँ एक्सरसाइज, जितनी होगी उतनी करूंगी, फिर मैं अपने हस्बैंड को दूंगी नाश्ता, तो करते हैं एक्सरसाइज। हेलो फ्रेंड, जय माता दी, और होने लगी है एक्सरसाइज और मेरा रूटीन यही है, एक्सरसाइज से ही स्टार्ट होता है मेरा ज़्यादातर, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं और अच्छे से करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब एक्सरसाइज से स्टार्टिंग होती है मेरी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है, और देखो थोड़ा फ़र्क भी लगने लगा होगा आपको, तो थोड़ा अपने आप ही वेट लगता है कम हो रहा है हमारा, तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है सारी जो मैं करती हूँ। ये कमर के लिए है, देखो घूमेगी तो कमर हमारी और बैक सारी फैट हमारा कम होगा, और सारी है एक्सरसाइज जो मुझे आसान लगती है और मुझे जैसे कंफर्टेबल लगती है कि मैं कर सकती हूँ वही करती हूँ। मैं ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती और रेस्ट ले लेके करती हूँ, और रेस्ट ले लेके करती हूँ, जैसे करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करो, सबके लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आज मेरा वीडियो पूरा नहीं हो पाया और मैं कहीं चली गई थी और बंस का बर्थडे था, इस वजह से नहीं कर पाई अपनी कंप्लीट वीडियो। तो फिर मैंने रात को, और फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज कर लूँगी, और मैं ज़मीन पर बैठकर ही कर रही हूँ और जैसे मुझे सुविधा लगती है वैसे ही कर लेती हूँ, और मैंने कुछ बिछाया भी नहीं है तो मुझे इतना स्पेस था, तो फिर मैंने यही कर लेती हूँ। कहीं भी जगह मिलती है मैं यही कर लेती हूँ, तो चक्की वाली भी यहीं कर लूँगी और सारी एक्सरसाइज आज नीचे बैठ के करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी है नाश्ते वगैरह की भी, तो मेरी एक्सरसाइज हो जाए वही ठीक है। तो फिर मैंने एक्सरसाइज कर ली थी और अब ये पुशअप वाली कर लूँगी, और ये भी पेट के लिए है, ये तो बहुत अच्छी है ये भी, लेकिन ये थोड़ी कठिन पड़ जाती है तो ज़्यादा नहीं करती इसको। तो फिर आ गई थी मैं अपने हस्बैंड को कॉर्नफ्लेक्स देने, तो फिर मेरे हस्बैंड, मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड अनहेल्दी नाश्ता नहीं करते, मैं भी खाती हूँ इनको लेकिन मैंने कभी दिखाया नहीं है, तो खा लेते हैं। और ये सुबह सुबह इसमें बादाम वगैरह डाल दूँगी, देखो ड्राई फ्रूट भी चले जाते हैं उससे, तो फिर बादाम वगैरह डाल दिए हैं मैंने, और चीनी भी वो ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ी सी चीनी डाली है, तो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्दी नाश्ता लेते हैं। और फिर मैं आ गई थी मुस्कान के लिए आलू काटने, काट के रख जाऊंगी, फिर नहा के आऊंगी तब बनाऊंगी उनके लिए व्रत का खाना। खाना क्या, ये आलू उन्हें बहुत पसंद है, चटनी में डालकर और खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और ये फ्राई आलू होते हैं, जैसे तेल ले लो, जैसे अगर हम व्रत में हैं तो हम वैसे तेल सरसों के तेल में कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें तो मैं पूजा करूंगी बाद में, और मैं नहाया ही हूँ तो मुस्कान के लिए बना देते हैं, ये जाएंगी तो, और ये जाएंगी कॉलेज तो बना देते हैं जब तक मैं कर देती हूँ, और ये इनके फेवरेट हैं तो बना देती हूँ ये आलू। और मुझे करनी है पूजा, तो अभी मैं सरवर धोया ही हूँ और पहुंच के अब फिर करेंगे पूजा, पहले तो मैं इनका खाने पीने का बना देती हूँ। और फिर मैं करने लगी थी पूजा, और वहाँ पर देखो मेरे दो काम हो रहे हैं, और मैंने उपला रखे आई हूँ मैं वहाँ पर, और क्या नाम है, अपना फ्राई करने भी रख दिए हैं आलू, लेकिन पूजा अब ले आई हूँ तो मैं बंद भी करी आई और बना भी आई हूँ मैं, तो फिर कर लेते हैं माला वाला चढ़ा देते हैं। और नौ दुर्गे हैं तो देखो पूजा करना तो शेयर बनता है, और मेरी आप वीडियो में रोज़ देखते होंगे कि पूजा शेयर होती है और अच्छा भी लगता है सबको, जैसे वीडियो जो देखता है उसको भी अच्छा लगता होगा कि हम पूजा का, अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दिखाना, और आपको देखना भी पसंद होगा अगर मेरी आप वीडियो देखते हो तो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इतना टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखता है कोई तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू जो भी, और प्लीज़ कमेंट्स का किया करो, जैसे अगर मेरा वीडियो कोई देख भी रहा है तो कमेंट्स किया करो, और
कर ली है मैंने पूजा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमारी वीडियो, अगर कमेंट्स आते हैं तो पता चलती है कि वीडियो देख रहे हैं, और आरती कर लेती हूँ मैं। तो आजकल साड़ियों का सीज़न चल रहा है, तो नवदुर्गा में मैंने जिस जिस दिन जैसे साड़ी पहनते हैं उसी ऐसी साड़ी पहनी है, और मैं फ़ोटो खींच रही थी अपना, और ज़्यादातर थंबनेल के लिए करती हूँ मैं ऐसे। और फिर ये पता है ये जिद करने लगी थी मम्मा फ्रेंच फ्राइज बना दो, तो फिर मैंने इसको लंबे लंबे आलू काट कर फिर वो बनाए थे, और फिर मैं खाने लगी थी ग्रेप्स अपने लिए, अंगूर, और मेरा अंगूर और पपीता ही होता है ज़्यादातर, और मैं खा रही हूँ तो कर लेते हैं। और फिर मुझे अभी ऊपर छत की सफाई करनी है, मैंने पूजा करी थी और मुस्कान के लिए नाश्ता बनाया था, और नीचे का तो मेरा सारा हो गया था लेकिन ऊपर का रह गया था, तो कर लेते हैं तवे बना लेते हैं सारे कंबल वगैरह की। देखो अभी चाहिए होते हैं, मैं तो अभी थोड़ा सा गर्म है, गर्म चादर रात को ठंड लगती है तो ओढ़ लेते हैं, तो किस किस की गर्म चादरें रख गई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो अभी है, ठंड हल्की सी ठंड होती है, आधी रात पर ठंड लगती है। फिर मैंने कपड़े सुखा दिए थे क्योंकि ये गीले थे, तो कपड़े सुखा लिए थे क्योंकि इन पे मुझे प्रेस भी करनी है, और मैंने बहुत सी वीडियो शेयर नहीं की कि मुझे प्रेस भी करनी थी, मैंने आज के दिन प्रेस भी करी थी। फिर कपड़ों की तह बना बना कर रख लूँगी क्योंकि प्रेस करनी है, जिस दिन मशीन में से कपड़े निकले तो यूँ प्रेस की टेंशन हो जाती है, फिर प्रेस करनी होती है इन सब पर, तो प्रेस करनी है तो कर लेंगे दोपहर में। और फिर लगाना था मुझे पोंछा, देखो सुबह कितना भी कर लो लेकिन गंदा फिर भी हो जाता है, और मेरा नीचे का, फिर मुझे करते करते 2:30 बज गया था, फिर मुझे सफाई करनी पड़ी थी नीचे की, तो कितना भी जैसे सुबह सफाई कर दो तो इतनी सफाई नहीं होती, सफाई तो दोपहर के टाइम ही लगती है। फिर मैंने पी लिया था पानी, और मैं अपनी वीडियो पूरी नहीं कर पाई थी, और शाम को मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो फिर मैंने खिचड़ी खाई थी, और मैं बता रही थी वंश का बर्थडे था, तो फिर मामा चली गई वहाँ से आके, मैं थक गई थी तो इसलिए मेरी वीडियो पूरी नहीं हो पाई, और खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी खाई थी, और मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि।